हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्हें हम कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इनकी कटिंग बहुत ही इजीली लग भी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सारी गर्मी आप जिससे फ्लोरिंग ले सकते हैं, तो वो है हमारे पास मॉसरोज, 9 o'clock और भी इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। तो मेनली इसे मॉस रोज या फिर जो मिनी गुलाब होते हैं, गुलाब तो नहीं होते लेकिन इसमें छोटे छोटे गुलाब के जैसे फ्लावर्स खिलते हैं और सवेरे इसमें फ्लोरिंग होती है, शाम को इसमें फ्लोरिंग बंद हो जाती है और रोज़ाना इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स खिलते हैं। इसकी एक कटिंग भी आपको मिल जाती है, आप वो लगा लीजिए, उसी से आपके पास काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक तरीके से ये ग्राउंड कवर का काम करती है और काफ़ी सारे कलर्स में आती है, इसमें पिंक, येलो, ग्रीन, वाइट और भी काफ़ी सारे इसमें कलर आते हैं। तो ये सबसे पहला जो मॉस रोज है, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली आप इसकी काफ़ी सारे प्लांट और काफ़ी सारे गमले तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्लांट जिसे हम कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं और ये एक ग्राउंड कवर के रूप में भी काम कर सकता है, वो है गुलदावरी। गुलदावरी में जो फ्लोवरिंग है वो विंटर सीजन में होती है, लेकिन जो समर सीजन होता है यानी कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक, ये अच्छे से बढ़ता है और खूब जो है फैलता है। इसकी आपको छोटी सी कटिंग भी मिल जाती है, आप वो लगा लीजिए। इसकी पत्ती जो है उससे भी इसका प्रोपेगेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ इसकी रूट्स भी डेवलप होगी, इसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स आप ले सकते हैं। तो गुलदावरी में भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, जैसे कि इसमें येलो कलर आता है, वाइट कलर आता है, पिंक आता है, डार्क रेड आता है और भी इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं और जो है डिफरेंट कलर्स में वेरिएशन भी आता है। तो इस तरीके से आप गुलदावरी के जो है काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। गुलदावरी में ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए एक टिप है कि जब आपका गुलदावरी का प्लांट बढ़ने लग जाए तो आपको इसके ऊपर से पिंचिंग कर देनी चाहिए। तो पिंचिंग से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं और ज़्यादा ब्रांचेज आने से इसमें आप ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो गुलदावरी जो है सेकंड ऑप्शन के रूप में कटिंग से लगने वाले पौधों में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पे हम बात करते हैं हम सबकी बहुत ही फेवरेट प्लांट की, जिसे बहुत ही ज़्यादा लकी भी माना जाता है, और वो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का जो पौधा है इसे बहुत लकी माना जाता है, कहते हैं कि ये जो प्लांट है ये वेल्थ अट्रैक्ट करता है यानी कि पैसा अट्रैक्ट करता है और इसे जो है काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, लगभग हर घर में मनी प्लांट पाया जाता है। इस प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसकी जो है काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि अभी निकली हुई हैं, तो इसे नोड पार्ट से कट किया जाता है। दूसरा मेरे पास ये है मनी प्लांट का पौधा, देख सकते हैं आप। इसके लिए एक टिप है कि आप गर्मियों में इस प्लांट की पत्तियों पर पानी की स्प्रे करते रहें, उससे इसकी पत्तियां काफ़ी सुंदर भी लगती हैं और साथ ही साथ इसमें नई पत्तियां आने के चांसेस बढ़ते हैं, इससे इसकी नई ब्रांचेज भी बनती हैं और आपका प्लांट जो है वो और ज़्यादा घना हो जाता है। तो ये जो टिप है आप ज़रूर आजमा कर देखिए, अपने प्लांट की पत्तियों पर पानी की स्प्रे जो है टाइम टू टाइम आप लोग करते रहिए। तो नंबर 4 पे हम बात करते हैं रोहियो प्लांट के बारे में, इसे हम बोट लिली भी कहते हैं। ये जो प्लांट है ये इसकी ग्रोथ अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और अभी इसमें नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इधर एक और है और ये वाला देखिए, तो इन प्लांट्स में नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई है, मेरे प्लांट्स जो है वो लग गए हैं और इनकी जो है कटिंग बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। ऊपर से ये ग्रीन कलर होता है, नीचे से इनका कलर कुछ पर्पल होता है। ये और भी काफ़ी सारी जो पत्तियों में वेरिएशन है वो अलग अलग तरीके का मिलता है, तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे से चलता है और बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत अच्छा भी लगता है। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी अच्छे से चलता है, सालों साल चलने वाला ये पौधा है, आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी रूट्स डेवलप होती हैं और रूट्स डेवलप होके और आप एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स ले सकते हैं। तो नंबर 5 पे हम बात करते हैं कलंचो प्लांट की, जो कि लेट विंटर्स से और अर्ली समर्स में फ्लोरिंग करता है। अभी इसमें फ्लोरिंग जो है लगभग ख़त्म होने को है, लेकिन यहाँ से ये वाली ब्रांच जो है
एक तरीके से एक पक्षी ने तोड़ दी थी, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी पिंचिंग हो गई थी। लेकिन उसका मुझे ये बेनिफिट मिला कि उस जगह से मेरे पास चार और ब्रांचेज आ गई। तो इसकी भी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि इस तरीके से इसमें से ये जो ब्रांच निकलनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे इसकी आपको पिंचिंग कर देनी चाहिए। उससे आप और भी ज़्यादा फ्लावर्स जो है कलंचों में ले सकते हैं। तो देखिए, ये वाले फ्लावर अभी नहीं खिले हैं, खिलने बाकी हैं, और ये जो पहले के फ्लावर हैं ये खिल चुके हैं। तो ये जो प्लांट है इसे कटिंग से लगाया जा सकता है। इसके आसपास इस तरीके से जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम पप्स बोलते हैं, वो निकल के आते हैं इसकी रूट से। इनको लगाना बहुत आसान है, बहुत ही इजीली से लग जाता है। ये सकुलेंट प्लांट है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मेरे पास लगभग ये 3 साल से है ये पौधा, और मैं इस प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स भी ले चुकी हूँ। तो आप कटिंग से लगने वाले पौधों में इस प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट से आप काफ़ी सारे प्लांट्स ले सकते हैं। तो नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं इस प्लांट के बारे में। ये कोर्डिलाइन प्लांट है। इसे हवाईयन टी प्लांट भी कहा जाता है, या फिर इसे टीआई प्लांट भी कहा जाता है, और काफ़ी सारे प्लांट्स के नाम से इसे जाना जाता है। ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है ये, और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। लंबे समय तक ये पौधा चलता है। बस इसके लिए कुछ जो टिप्स का हमें ध्यान रखना होता है, एक तो कि हमें इसकी पत्तियों को पानी से स्प्रे करते रहना है, खासकर विंटर्स में। इसकी पत्तियों को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना है। अगर हम इस प्लांट की पत्तियों को गंदा रखते हैं तो इसमें से जो नई पत्तियाँ हैं वो जल्दी से नहीं आ पाती हैं। जैसे कि मैं अपने प्लांट को वॉटरिंग करके रखती हूँ, और इसकी जो पत्तियाँ हैं इन पे भी मैं 2-3 दिन में स्प्रे करती रहती हूँ, तो इससे इसके ऊपर ज़्यादा डस्ट जमा नहीं हो पाता। और इससे देखिए मेरे पास नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। इस प्लांट को मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाया था। इसकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाना इस प्लांट के लिए बहुत ही आसान है, और साथ ही साथ इसमें से जो बेबी प्लांट्स होते हैं, इसकी रूट्स डेवलप होके वो भी निकलते हैं। तो ये मेरा प्लांट अभी थोड़ा छोटा है, सो टाइम के साथ जब ऐसा होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कटिंग से लगाने वाले प्लांट्स में आप जो है कोर्डिलाइन प्लांट को भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो आप इस प्लांट की भी कटिंग अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। और इसकी पत्तियाँ जो हैं और भी काफ़ी सारी वेरिएशंस में आती हैं, और भी काफ़ी सारे कलर्स में आती हैं। ग्रीन कलर भी आता है, पिंक भी आता है, पर्पल कलर भी आता है, और ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अभी नंबर 7 पे हम बात करते हैं जेड प्लांट के बारे में, जिसे क्रासुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये प्लांट पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं ये काफ़ी प्यारी लगती हैं, बिल्कुल सिक्के की शेप में होती हैं। और ये जो पत्तियाँ हैं ये गूदेदार होती हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है, और ये एक तरह का सकुलेंट प्लांट है। इस प्लांट की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी कोई भी कटिंग लेके और मिट्टी में गाड़ सकते हैं, कुछ टाइम में उसमें नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो प्लांट है ये पूरे साल चलता है, सदाबहार पौधा है, और इसकी जो सर्दियाँ आने पर पुरानी पत्तियाँ झड़ के इसमें से नई पत्तियाँ आ जाती हैं। इसकी आप काफ़ी सारी टोपियरी शेप बना सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, बोनसाई ट्री बना सकते हैं, और भी काफ़ी अच्छे से ये प्लांट चलता है। तो कटिंग से लगने वाले प्लांट्स की कैटेगरी में आप जेड प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए, और ये प्लांट जो है लंबे समय तक चलता है, और आप देख ही रहे हैं कितना ग्रीन रहता है ये, और काफ़ी अच्छे से चलता है, और इसको लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हल्की सी केयर के साथ, हल्के से फर्टिलाइजर के साथ आप इस प्लांट को अपने साथ रख सकते हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चलता है और बहुत लंबे समय तक। तो अभी नंबर 8 पे हम बात करते हैं स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट जो है काफ़ी प्यारा प्लांट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसकी पत्तियों को ज़रूर साफ़ रखिए। इसकी जो साफ़ सुथरी पत्तियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी एक पत्ती की 3 से 4 कटिंग लेके और इन्हें ज़मीन में लगा सकते हैं, और उसी से आपके पास काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ ये वाला जो प्लांट है इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, यानी कि इसकी रूट्स डेवलप होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया प्लांट मिला हुआ है। काफ़ी सारी वेराइटीज़ में प्लांट आता है, उसमें इसकी पत्तियों के शेड अलग अलग होते हैं, कुछ में इसकी पत्तियों की साइज़ जो है उसमें भी डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से जो स्नेक प्लांट है वो भी कटिंग से लगने वाले प्लांट्स में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, और आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना है कि ये एक टॉक्सिक प्लांट है,
है, सो आप इसे अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं और जो पालतू जानवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक तरीके से इन्हें थोड़ी सी ऊंचाई पे रख दीजिए, ताकि उन तक जो है छोटे बच्चे और पालतू जानवर ना पहुंच सके, इसको खा ना सकें, इसको तोड़ ना सकें, ताकि उन इससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है और खूबसूरती तो आप इस प्लांट की देख ही रही हैं। तो नंबर 9 पे हम बात कर लेते हैं कटिंग से लगने वाले पौधों में स्पाइडर प्लांट की। तो स्पाइडर प्लांट का जैसे मैंने आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है, आप इसके एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं। अभी मेरे स्पाइडर प्लांट में फ्लोवरिंग भी हो रखी है, आप इसके फ्लोवर्स देख सकते हैं, छोटे साइज़ के कितने प्यारे प्यारे फ्लोवर आते हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें से मेरे पास कितने सारे प्लांट तैयार हो रखे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें से रनर्स निकलते हैं, तो एक ही प्लांट से देखिए कितने सारे रनर्स निकले हुए हैं, और इससे मुझे काफ़ी सारे इसमें प्लांट मिल जाएंगे। तो कटिंग से लगने वाले प्लांट्स में जो स्पाइडर प्लांट है वो एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, और इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये प्लांट है, लंबे समय तक चलता है और काफ़ी सारे प्लांट्स आपको देता है। एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और बहुत ही अच्छे से चलता है, सालों साल चलने वाला ये पौधा है। इंडोर प्लांट है और बहुत ही लो केयर के साथ आप इसे रख सकते हैं। बस इसकी पानी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है कि कभी भी इस प्लांट को आप ओवर वाटरिंग ना करें। सो नंबर 10 पे हम बात करते हैं फोर्मियम प्लांट के बारे में। फोर्मियम प्लांट सालों साल चलने वाला पौधा है, आप इसके एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में इसका ये एक सिंगल मदर प्लांट लगाया था, और इसमें देखिए इसके काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स तैयार हो गए हैं, इसके रूट्स डेवलप होके और इसमें से काफ़ी सारे प्लांट मिलते हैं। नीचे इसका स्टेम बनता हुआ जाता है और ऊपर की तरफ इसमें पत्तियां आती रहती हैं, तो ये एक पत्तीदार पौधा है। फ्लोवर अभी से मेरे इस प्लांट में नहीं आया है, आई डोंट नो इसमें फ्लोवर आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता है। इसकी पत्ती थोड़ी गूदेदार होती है, एक तरीके से सैकुलेंट का टाइप होता है ये, और एलोवेरा प्लांट की तरह ही आप इस प्लांट में से भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स लेके और काफ़ी सारे गमले तैयार कर सकते हैं। सालों साल चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, लो केयर प्लांट है, साल में इसे एक से दो बार आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए और ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। सभी पौधों के साथ इस पौधे में भी आप पानी डाल दीजिए, बस इतनी केयर इसके लिए काफ़ी है, और ये प्लांट आपके गार्डन की जो है खूबसूरती को बढ़ा के रखेगा। सो ये थे मेरे पास 10 प्लांट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। इन सभी की कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और काफ़ी सुंदर आप अपने गार्डन को बना सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।